नमस्कार, आप देख रहे हैं रैपिड टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वर्षा। आइए नजर डालते हैं आज के दिन भर की खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे सिंगापुर, बजाया ढोल, बंधवाई राखी, लोगों से मिलाया हाथ। पीएम मोदी का सिंगापुर में हुआ भव्य स्वागत। विश्व चैंपियन सचिन खिलाड़ी ने पैरालंपिक में भारत को दिलाया 21वां मेडल, शॉर्ट पुट में जीता रजत पदक। आखिरकार माटीगढ़ा छात्रा हत्याकांड मामले में सिलीगुड़ी महकमा अदालत ने आरोपी एमडी अब्बास को दोषी करार दिया, शुक्रवार को सुनाई जाएगी सजा। लंबे इंतजार के बाद अभया को न्याय मिलने से परिवार वालों के चेहरे पर छाई खुशी। सिलीगुड़ी में एक दंपति ग्राहक के भेष में दुकान में घुसकर किया साउंड बॉक्स के चोरी, सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने दंपति को किया गिरफ्तार। सिलीगुड़ी के सेवक रोड स्थित एक शॉपिंग मॉल में चोरी के मामले में भक्तिनगर थाने की पुलिस ने एक और व्यक्ति को किया गिरफ्तार। आरजीकर मामले को लेकर भाजपा नेता व कार्यकर्ता सिलीगुड़ी नगर निगम के सामने किए धरना प्रदर्शन। अलीपुरद्वार जिले के मदारीहाट में जंगली हाथी के हमले से एक युवक की मौत, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस ने शुरू की जांच। आगोमोनी आमबाड़ी सार्वजनीन दुर्गा पूजा कमेटी ने खम्ब पूजन के माध्यम से शुरू की दुर्गा पूजा की तैयारी। आरजीकर घटना के विरोध में भाजपा नेता और कार्यकर्ता मदारीहाट बीडीओ कार्यालय के सामने धरने पर बैठे। आरजीकर घटना के विरोध में भाजपा ने राजगंज बीडीओ कार्यालय के समक्ष किया धरना प्रदर्शन। आरजीकर घटना के विरोध में अलीपुरद्वार के 2 नंबर ब्लॉक के जशोडांगा इलाके में भाजपा ने दिया धरना। रैपिड टाइम्स में आज के लिए इतना ही, आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए आप देखते रहिए सिलीगुड़ी टाइम्स। नमस्कार।